हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विरद आप लोगों का स्वागत करता हूं सिलेक्शन मेंटर के यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज यहां पर चल रही है और इसमें हम लोग जनगणना पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, फटाफट से आप सब लोग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार। ये आज भाग दो है, इसका पार्ट वन मैं कल पढ़ा चुका हूँ और ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है। पार्ट वन जो है मैंने वो लाइव पढ़ाया था। अगली क्लास जो होगी वो भी लाइव ही होगी। किसी कारण से जो है आज का ये लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग मोड में दे रहा हूँ, जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए मैं आपको ये रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। एक अपील है छोटी सी मेरी आप सभी लोगों से, दरख्वास्त है कि जरूर इस लिंक को, इस वीडियो को शेयर करिएगा हर जगह पर, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आपको आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें, एक लाइक जरूर करें। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स यहां पर इस चीज को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जो है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहें। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं तो यहां पर जनगणना में पार्ट फर्स्ट में जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी उसको छोड़ते हुए पार्ट टू में जो चीजें हम लोगों को पढ़नी है उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर जरा पढ़ाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, पार्ट टू में हम लोगों को क्या पढ़ना है, मैंने पार्ट वन में क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं, एक बार रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट सेंसस ऑफ यूपी 2011, इस पर डिस्कशन किया था। सामान्य परिचय, जिसको हम कह सकते हैं सामान्य परिचय दिया था मैंने आप लोगों को यूपी 2011 उत्तर प्रदेश 2011 के लिए, जिसमें तमाम सारी चीजें मैंने आपको सामान्य रूप से बताई थी। इसके अलावा हम लोगों ने चर्चा कर ली है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, इस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। इसके अलावा जो डिस्कशन हुआ है वो हुआ है जनघनत्व पर, ठीक है। इसके अलावा जो डिस्कशन हुआ है वो मेरे ख्याल से जनघनत्व तक ही हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जहां तक मुझे लगता है लिंगानुपात पर भी हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि हमने लिंगानुपात पर भी डिस्कशन किया हुआ है। एक बार मैं जरा कंफर्म कर लेता हूं कि क्या लिंगानुपात पर डिस्कशन हुआ है, हाँ या नहीं। मैंने आप लोगों को, बिल्कुल लिंगानुपात पर भी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि लिंगानुपात पर डिस्कशन जो हुआ है ये भी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, लिंगानुपात। ये सारी चीजें आपको पार्ट वन में आपको देखने को मिल जाएंगी। पार्ट वन जो वीडियो का लाइव था, जो कि लाइव था, कब लाइव था, ये कल यानी कि 5 तारीख को 5/10/2020 के वीडियो को अगर आप देखेंगे, रात 8 बजे ये वीडियो शुरू हुआ था, तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। अब आज के वीडियो में हम लोग इसी के आगे डिस्कशन करेंगे, इसी के आगे पढ़ाई करेंगे, इसी के आगे सारी चीजों की शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये बात हमको यहां पर ध्यान रखनी है। इससे पहले सामान्य परिचय को ध्यान में रखते हुए मैं छोटा सा रिवीजन करते हुए आपको दे रहा हूं, क्योंकि आज लाइव नहीं है तो आपसे तो क्वेश्चन आंसर कर नहीं सकता मैं। तो मैं आपको बताऊं, सामान्य परिचय में यूपी की जो जनसंख्या 2011 है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या जो 2011 आपको देखने को मिलती है, 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लिए मैंने फोन नंबर बताया था 1998 12341, ठीक है। ये आपको फोन नंबर बनाया था 1998 12341, ये उत्तर प्रदेश की 2011 की जनसंख्या है। इसके अलावा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो आपकी कितनी है, 20.2%, रिवीजन के तौर पर हम लोग देख रहे हैं। यहीं पर वार्षिक भी आपको ध्यान रखनी है, वार्षिक ईयरली क्या है इंक्रीमेंट अगर देखा जाए तो 1.85%, मैंने कल बताया था आपको। ये जनघनत्व की भी बात मैंने आपको बताई थी, जनघनत्व जो है उत्तर प्रदेश का 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो 829 है, 829 पर किलोमीटर स्क्वायर पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम जनघनत्व के बाद लिंगानुपात की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 912 है। प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के अनुपात में महिलाओं की संख्या जो है वो 912 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में।
तो ये तो हो गया क्विक रिवीजन। अब हम चलते हैं आज के तथ्य पर, आज के मैटर पर। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को क्या समझना है भैया? आज हम लोगों को पढ़ना है साक्षरता दर। क्या पढ़ना है? साक्षरता दर। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, अभी कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। सेशन जो है आपका लाइव रहता है वैसे तो, लेकिन ये जो सेशन है वो रिकॉर्डेड है, तो आप इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी जहां कहीं भी आप लगा सकते हैं इसे लगाइएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा। और जो लोग नए हैं, नए जो लोग आगंतुक हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? चलिए साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। 2011 यूपी उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2000, जब दर की बात होती है तो परसेंटेज तो लगता ही है, जब दर की बात होती है तो मात्रा जो है वो प्रतिशत में काउंट करी जाएगी। तो साक्षरता दर आप लोगों को ध्यान करनी रखनी है 67.7%। यानी अगर उत्तर प्रदेश में 100 लोग रहते हैं, यूपी में अगर 100 लोग रहते हैं, तो उनमें से 67.7% लोग लिटरेट हैं, साक्षर हैं, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2001 में यही चीज अगर हमको ध्यान रखनी हो कि 2001 में कितनी थी लिटरेसी रेट, तो 2001 में लिटरेसी रेट थी 56.3, 56.3। तो इसका मतलब लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में बढ़ा है 56.3 से 67.7 हो चुका है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। अगर हम पूरे भारत की बात करें, भारत की साक्षरता दर, तो भारत की साक्षरता दर कितनी है अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान रखेंगे 73%, ठीक है? कितनी है? 73%, ठीक। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो पूरे भारत की साक्षरता दर से लगभग 6% के आसपास या 5.5% के आसपास कम है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात, हाँ या नहीं? तो ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको साक्षरता दर में याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम में साक्षरता दर जो है वो 67.7 है, पिछली जनगणना में 56.3 थी, भारत की जनगणना 73% है। ये सब चीजें आप लोगों को यहां पर अच्छी तरीके से ध्यान रखनी चाहिए। फिर वही क्वेश्चन बनता है कि जब साक्षरता दर की बात आ रही है तो कुछ राज्य साक्षरता के मामले में, माफ कीजिएगा, राज्यों के जिले, कुछ राज्यों के जिले जो है साक्षरता के मामले में अच्छे होंगे और कुछ खराब होंगे। तो अच्छे जिलों में शुरुआत में 5 और खराब जिलों में पीछे से लास्ट से 5 कौन है, इन पे प्रश्न बनते हैं, हर बार बनते हैं। तो मैं यहां पर आपसे प्रश्न पूछता हूं कि बताइए जनगणना, कमेंट बॉक्स में सेशन में जो है आंसर करिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, साक्षरता वाले जिले ये कौन कौन से हैं, 5 जिलों के नाम हमको यहां बताने हैं। और ये 5 जिलों के नाम मैं आप लोगों को यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, सबसे पहले आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मैं यहां पर आपको लिख करके दे रहा हूं कि 5 सर्वाधिक साक्षरता वाले कौन है। तो पहला है गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर की जो लिटरेसी रेट है वो 80.1% है, 80.1%, तो बहुत ज्यादा है, अच्छी बात है। सेकेंड प्लेस पे जो कह सकते हैं जो जिला आता है वो है कानपुर नगर की साक्षरता दर है 79.7%। दो तो आपको ध्यान रखना ही है, तीसरा जो है वो है औरैया, चौथा जो है आपका है वो इटावा। तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, कानपुर नगर हो गया, औरैया हो गया, इटावा हो गया, ठीक है, और उसके बाद गाजियाबाद, पांचवें नंबर पे गाजियाबाद। आप सोच के देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो फर्स्ट 5 में नहीं आती है। तो आपसे यहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं, और उसमें एक ऑप्शन लखनऊ का अगर आए,
ठीक है, या कौन से जिले पांच पांच साक्षरता वाले नहीं है, उसमें एक ऑप्शन लखनऊ का है तो आप लखनऊ पे टिक करिएगा, प्रथम पांच में लखनऊ का नाम नहीं आता है, छठवें नंबर पर ये लखनऊ का नाम आता है। अगर चाहें तो आप छठवें नंबर पर आप लखनऊ का नाम लिख सकते हैं, लखनऊ तो फर्स्ट फाइव में नहीं है भाई, ठीक है, लखनऊ जो है वो फर्स्ट फाइव नहीं है, 77.3% यहाँ की लिटरेसी रेट है तो नहीं है। ये तो हो गया सर्वाधिक साक्षरता वाले। सिमिलरली आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, न्यूनतम 2011 में न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कितने जिले, पांच जिले एटलीस्ट। तो पहला नाम सबसे कम जो साक्षरता लिटरेसी रेट जो है आपको जहां मिलेगी, ये हमेशा से ये नाम श्रावस्ती के नाम पर जाता है, श्रावस्ती, और बड़ी अच्छी बात है, श्रावस्ती वो जगह जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, ये यहां पर लिटरेसी रेट में सबसे कम है, और ये जगह जो महात्मा बुद्ध के नाम पर है वो लिटरेसी रेट में सबसे आगे है। ये इस तरीके से आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं। तो श्रावस्ती जो है न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में से एक है, यहां की लिटरेसी रेट आश्चर्यजनक तरीके से 50% भी नहीं है, 50% यानी 50% लोग भी श्रावस्ती के लिटरेट नहीं है, कितनी खराब दशा है आप सोच करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए साक्षरता दर के बाद यहां पर श्रावस्ती के बाद अगला नाम जो है वो बहराइच का है, बहराइच, बहराइच। तीसरा नाम जो है वो बलरामपुर का है, बलरामपुर। चौथा नाम जो है वो आपका बदायूं का है, बदायूं। और पांचवा नाम जो आपका आता है वो रामपुर का है, रामपुर। तो ये फाइव डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मतलब न्यूनतम लिटरेसी रेट वाले हैं। ये आपको यहां पे साक्षरता दर से संबंधित पॉइंट यहां पर मिल गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर साक्षरता दर तो हो गई ओवरऑल, लेकिन एक क्वेश्चन आपका यहां पे बनना अभी बाकी रह गया है, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर, ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। पुरुष साक्षरता दर 2011 में पुरुष साक्षरता। अब ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा ज्यादा डीप हो गया ये कि पुरुष साक्षरता जो है 2011 में कितनी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा बताइए कि लिटरेसी रेट में उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी रही होगी, आप लोग जरा बताइए पुरुष साक्षरता दर कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए फिलहाल इतनी देर में आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा ऐसा मेरा मानना है। तो पुरुष साक्षरता दर जो यूपी में है वो 77.3, ठीक है, जबकि महिला साक्षरता दर जो है ये आपको देखने को मिलेगी 57.2%, कितनी 57.2%। तो देखिए मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट में कितना अंतर है, यानी उत्तर प्रदेश के 77.3% 100 में से 77 पुरुष जो है साक्षर हैं, जबकि महिलाओं की संख्या 57% है, हर 100 में से 57 महिला जो है वो साक्षर है। हालांकि पिछली बार से बढ़े हुए ये आंकड़े हैं, लेकिन संतोषजनक इन्हें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महिला और पुरुष की तुलना में लगभग लगभग देखा जाए तो 20% का अंतर आपको देखने को मिल रहा है पुरुष और महिला साक्षरता में। जबकि भारत में अगर देखा जाए तो महिला साक्षरता आपकी लगभग 64% के आसपास है, भारत में लगभग 64%, और भारत में पुरुष साक्षरता, अगर यहीं पे बात भारत की कर ली जाए, भारत की, तो भारत में अगर हम मेल लिटरेसी रेट देखेंगे तो 80.9% है, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो आपकी 64.6% है। तो पूरे भारत के लिए भी ये एक शर्मनाक स्थिति है। ऐसा ही रेशियो आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है मेल और फीमेल में। ये तो आपके हो गए साक्षरता दर से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, या अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है साक्षरता को लेकर के, वो है आपकी नगरीकरण। उत्तर प्रदेश में नगरीकरण, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
यानी आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसमें नगर में निवास करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, नगर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, कितने लोग शहर में नगर में निवास करते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसको हम लोग नगरीय जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 2011 में नगरीय जनसंख्या तो 2011 में नगरीय जनसंख्या जो है वो कितनी है, 444,95,063, ठीक है। ये आपको नगरीय जनसंख्या देखने को मिलती है यहां पर। तो जरा ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश की नगरीय, अब देखो पूरे राज्य में जो जनसंख्या थी, पूरे राज्य की जो कुल जनसंख्या मैंने आप लोगों को कल रटाई थी, बताई थी कि उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका फोन नंबर बताया था 1998-12-341, उससे अगर यहां पर 44,49,50,63 अगर ये जनसंख्या नगरी की तुलना करी जाए तो लगभग लगभग 22% है, यानी यूपी की कुल जनसंख्या का 22%, ध्यान रखेंगे कितना परसेंट, 22%, 22.3 है, आप मोटे तौर पर 22 याद कर सकते हैं, ठीक है, 22.3 अगर एग्जैक्ट कहीं पर आ जाए तो भाई ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये नगरीकरण की बात हो जाती है यहां पर, ठीक है, क्लियर बात है, बिल्कुल छोटी से छोटा सा पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसमें जब नगरीकरण की बात आ रही है तो ग्रामीण होने की भी बात यहां पर जरूर आएगी, ग्रामीण होने की भी यहां पर जरूर बात आएगी। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या अगर इतनी है तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो ग्रामीण जनसंख्या भाई निकाल देंगे, ग्रामीण जनसंख्या आ जाएगी 1,55,317,278, यानी 1,553,17,278 15 करोड़ जनसंख्या जो है लगभग लगभग आपको कहां देखने को मिल रही है, ग्रामीण जनसंख्या रूप। और आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि नगरीकरण में से ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है, जो कि कुल जनसंख्या का 77% मोटे मोटे तौर पर, या फिर आप एग्जैक्टली ध्यान रखें 77.7% ये शहरी और नगरी ग्रामीण जनसंख्या का हाल है, मिला दोगे तो 100% बन जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश एक तरीके से ग्रामीण जनसंख्या प्रधान राज्य है, ग्रामीण जनसंख्या प्रधान राज्य है तो कृषि प्रधान राज्य भी होगा, निश्चित रूप से ये कृषि प्रधान राज्य है। क्लियर हो गई बात यहां तक, मेरी ख्याल से शायद क्लियर हो गई, बिल्कुल आसानी से बहुत आराम से आपने ये पॉइंट यहां पर समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ पॉइंट यहां पर और मैं आपको बता देता हूं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या संबंधित, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति यहां पर एक क्वेश्चन पूछा सकता है, अगर हम एक और पॉइंट देखें तो ये एक पॉइंट यहां पर और ऐड हो सकता है अनुसूचित जाति को लेकर के, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति यूपी की जनसंख्या में अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो है 41357608, ठीक है। तो आप देखिए अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, यानी कि बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है, पूरी पूरी जनसंख्या अगर देखा जाए तो करीब करीब 20% के आसपास निकलेगी, यूपी की जनसंख्या का लगभग लगभग 20% या फिर 20.7% एग्जैक्ट, ठीक है, 20.7% एग्जैक्ट, ठीक। तो लेकिन देखिए ऐसे यहां पर देखा जाए अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो नगरीय जनसंख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास है, 4.4 करोड़, वैसे यहां पर अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति की संख्या अगर देखी जाए तो 4.1 करोड़ के आसपास है, लगभग वैसी वैसी आपको लगभग देखने को मिल रही है, इसीलिए आपको 20% के आसपास ये, 22% के आसपास ये, तो मिलता जुलता आंकड़ा आप लोगों को यहां पर नगरीय जनसंख्या और अनुसूचित जाति जनसंख्या का यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, देश में अगर हम जनसंख्या की बात करें, देश में भारत में जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित
अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य, आंसर आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। यानी हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जो अपनी जनसंख्या का 20% अनुसूचित जाति की जनसंख्या को निवास करता है, वो पूरे भारत में सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश के हिसाब में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक है भाई। ठीक है, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्लियर। लेकिन हां, एक क्वेश्चन बदला जा सकता है। देखिए, यूपी में प्रतिशत कितना है? 20। अगर यहीं पे इस क्वेश्चन को बदल दिया जाए, बड़ा सिमिलर क्वेश्चन है, आराम से भटकाया जा सकता है आपको, आपसे पूछ लिया जाए देश में सर्वाधिक, देश में सर्वाधिक प्रतिशतता 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 वाला राज्य, सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की प्रतिशतता वाला राज्य, ठीक है, अगर ये प्रश्न कर दिया जाए तो दोनों में अंतर हो गया, सर्वाधिक जाति वाला और सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में जाति वाला। तो सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में जाति जो है वो पंजाब है, पंजाब, यानी पंजाब में उसकी आबादी का, पंजाब में उसकी आबादी का लगभग 31% यानी कि 31.9%, माफ कीजिएगा, 31.9%, 39.9%, ये वो जनसंख्या, लगभग 32%, 31.9% पंजाब की कुल जनसंख्या का पंजाब के अंदर शेड्यूल कास्ट व्यक्ति रहता है। तो ये दो अलग अलग प्रश्न है जो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा संख्या तो यूपी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा तो पंजाब। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको अलग अलग ध्यान रखने हैं, बड़े क्लोज पॉइंट है, बहुत ही आपस के पॉइंट है, इसलिए आपसे गलती होना यहां पर स्वाभाविक है, आराम से हो सकती है। ठीक है, अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग अनुसूचित जनजाति की। किसकी बात कर लेंगे? अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या जो है, यूपी की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना भाग जो है आपका अनुसूचित जनजाति में रहता है? तो इसका आंसर है 1,13,00,000, है ना, 1,13,00,000 हुआ ना करीब, नहीं नहीं माफ कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा हो गया, 11,00,000 है, 11,34,000, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि इतना कम क्यों है, पर है, इतना ही कम है, 11,34,273, ठीक है, 11,34,273, तो 11,34,273 ये अनुसूचित जनजाति की संख्या है। अब अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो प्रतिशत मात्रा उत्तर प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.6% है, 0.6%, यानी बहुत 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 कम, यानी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति कम पाए थे क्यों? अच्छा, आप खुद ही सोचो, ज्यादातर अनुसूचित जनजातियां जो हैं वो थोड़ा आपका पठारी है या पहाड़ी इलाके के आसपास मिलेगी, तो यहां तो मैदानी भाग है, तो यहां शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है। ठीक है, यहां पर शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या कम है। हाँ, जब हमारे पास में यूके हुआ करता था, उत्तराखंड हुआ करता था, तब शेड्यूल ट्राइब्स बिल्कुल रहे होंगे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा रही होगी, लेकिन अब जो है उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जो कि 0.6% है मात्र। ठीक है, 0.6% है बस, ज्यादा कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। और लास्ट में एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, लास्ट में स्लम जनगणना की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में स्लम जनगणना, तो उत्तर प्रदेश में स्लम जनगणना अगर देखी जाए तो 9.5% लोग जो है, 9.5% उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो स्लम एरिया में रहते हैं, यानी कि झोपड़ी पट्टी जो है उसमें निवास करते हैं, तो काफी बड़ा एरिया, सबसे ज्यादा स्लम एरिया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा स्लम आबादी मालूम है कहां है? भारत में सर्वाधिक स्लम आबादी आप जान ही गए होंगे कहां है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र नंबर 1 पर सर्वाधिक स्लम आबादी वाला राज्य है, जिसमें लगभग उसकी जनसंख्या का 18.1% स्लम एरिया है। दूसरे नंबर पर जिसका नाम आता है महाराष्ट्र के बाद अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ये दूसरे नंबर पर है,
और आंध्र प्रदेश में उसकी जनसंख्या का 9.8% यानी कि लगभग लगभग 10% जो है वो निवास करता है स्लम एरिया। तीसरे नंबर पर नाम आता है पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पर, और ये है 9.8% उल्टा लिख गया थोड़ा सा यहां पर, मैं इसको इरेज कर देता हूं, 9.8% है उसमें, ठीक है। ये 15% के आसपास है, ये 15% के आसपास है, 15.6% है, और ये 9.8% है। और चौथे नंबर पर जो आता है वो है यूपी, चौथे नंबर पर जो आता है वो है कौन, यूपी, और यूपी का स्थान मैंने आपको बता दिया 9.5%, तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है हम, क्या नाम है, वेस्ट बंगाल से चौथे नंबर पर हैं, ठीक है, वहां 0.8 है, यहां 0.5 है, 0.3 का अंतर है। तो ये थी आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं जो मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। बहुत ही नॉर्मल सी चीज थी, जो मुझे समझाने पढ़ाने वाली चीजें थी वो मैंने आपको दो भागों में बढ़ा करके समझा दिया है। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो ये पॉइंट सारे के सारे आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेने चाहिए। तो मित्रों, आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लिंक को अधिक अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे भाइयों बहनों, सभी लोगों को मैं कहता हूं कि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये जो सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, ये जो लाइक की संख्या बढ़ती है, ये मोटिवेशन होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसको जो है आप जरूर करेंगे। इसी आशा के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में लाइव सेशन में रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।